दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे गैजेट दिखाएंगे जिन्होंने दुनिया में धूम मचा रखी है और इनकी वजह से पुलिस और आर्मी को काफी मुश्किलों से छुटकारा मिल गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों ये एक ऐसा व्हीकल है जिसको आर्मी की जरूरत के मुताबिक तैयार किया गया है। इसको HDT ग्लोबल ने तैयार किया है और ये पूरी तरह से रोबोटिक है। इसको सिपाहियों के हिसाब से ढाला गया है। इसका नाम वोल्फ है जिसका मतलब है व्हील्ड ऑफ लोड लॉजिस्टिक फ्लावर। इसे वजन उठाने के लिए बनाया गया है और ये हर तरह की जमीन पर चल सकता है, जैसे ऑफ रोड, पथरीले रास्ते और जंगलों में भी ये वजन उठाकर 120 घंटे तक मुसलसल चल सकता है। इसके कई सारे टेस्ट भी लिए गए मगर ये हर टेस्ट में कामयाब रहा। जैसे भारी वजन उठाया, 100 किलोमीटर का सफर 23 घंटे में तय कर लिया। सेकंड नंबर पर आने वाले व्हीकल इससे 6 घंटे बाद पहुंचे, यानी ये सच में एक कमाल की चीज है। नंबर 2, गार्डियंस एस। पहली नजर में आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई कीड़े की कॉपी है। दोस्तों इसका डिजाइन सच में कीड़े या सांप की तरह है और ये जासूसी करने के लिए बनाया गया है। ये ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां इंसान नहीं जा सकते। ये कई खतरनाक जगहों में घुसकर वीडियो को लाइव पीछे आर्मी में पहुंचा सकता है। ये रात के अंधेरे में भी नहीं रुकता क्योंकि इसमें नाइट विजन कैमरे के सेंसर लगे हुए हैं और अंधेरे में भी अपनी जासूसी जारी रखता है। ये किसी भी केमिकल या किसी जहरीली गैस के आगे नहीं रुकता और ये हर तरह का मिशन अच्छी तरह से मुकम्मल कर लेता है। नंबर 3, लिफ्ट एयरक्राफ्ट हेक्सा। दोस्तों इस ड्रोन को कुछ ही साल पहले एक अमेरिकन कंपनी ने बनाया था। ये एक ऐसा ड्रोन है जो इंसान को लेकर उड़ सकता है। दोस्तों इसका नाम हेक्सा है और ये एक कमाल की चीज है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आया हो। इसकी बनावट बहुत ही शानदार है। इसमें 18 इलेक्ट्रिक मोटर्स लगी हुई हैं। दोस्तों इसको कंट्रोल करना काफी आसान है। इसको एक जॉयस्टिक की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा ये कंप्यूटर के जरिए ऑटो मोड में भी उड़ाया जा सकता है। दोस्तों इसको ज्यादातर कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसका वजन 196 किलोग्राम है और ये 113 किलो का वजन उठाकर उड़ सकता है और ये 10 से 15 मिनट तक उड़ सकता है और इसको अमेरिकन आर्मी अपने मिशंस में इस्तेमाल करती है। नंबर 4, 5W ग्रीन लेजर डीजलर सिस्टम। दोस्तों ये एक नॉन लेथियाइल ब्लाइंडिंग लेजर वेपन है। इसको दहशतगर्दों से लड़ने के लिए बनाया गया था मगर अभी इससे कई तरह के काम लिए जाते हैं। ये लेजर जब दुश्मन की आंखों में लगती है तो दुश्मन को तकलीफ होती है और वो अपना काम ठीक से कर नहीं सकता। जैसे किसी स्नाइपर को निशाने से भटकाया जा सकता है, इस सिस्टम को किसी गाड़ी या इमारत की छत पर आसानी से लगाया जा सकता है। नंबर 5, बोजीना रियोड। दोस्तों इस व्हीकल को अवाम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ऐसी अवाम जो कंट्रोल ना होती हो, एहतजाज करती हो, इस तरह पुलिस की जान को खतरे में नहीं डाला जाएगा क्योंकि ये काम अब ये व्हीकल करेगा। इसको आप एक लोहे की दीवार का नाम दे सकते हैं। ये लोहे की दीवार काफी मोटी और मजबूत होती है जो कि ऑफिसर्स को पत्थरों और 7.26 mm की गोलियों से बचा सकती है। इसमें पानी की टैंकी लगी हुई है जिससे मुजाहिरीन पर पानी डाला जाता है और इसमें रास्ते में लगाए गए बैरिगेड्स को तोड़कर रास्ता खोला जा सकता है। इसका साइज बड़ा या कम किया जा सकता है। ये कम से कम 5.4 मीटर चौड़ी होती है। नंबर 6, ओटीसा OR3। दोस्तों पुलिस को 24 घंटे पेट्रोलिंग करना पड़ती है जो कि काफी मुश्किल है मगर इस मसले का हल भी निकाल लिया गया है। अब पुलिस की जगह रोबोट तैयार कर लिए गए हैं जो कि पेट्रोलिंग करने की खसूसियत रखते हैं। जैसे सिंगापुर की ओटीसा कंपनी का ये रोबोट है। ये किसी भी मुसीबत की सूरत में आपकी मदद कर सकता है। ये तेज सायरन बजाकर लोगों को भगा सकता है। इसके अलावा ये उस वाक्य की खबर नजदीक थाने को भी दे देता है। इसमें लेजर शुआएं लगी हुई हैं जो गलत पार्क हुई गाड़ियों की भी शिकायत थाने को कर देती हैं और जेल से भागे हुए मुजरिमों को भी पहचान सकती हैं। नंबर 7, स्काईवॉल 100। दोस्तों ये कोई इंसानों को मारने वाली चीज नहीं है बल्कि इसको दुश्मन के ड्रोन को गिराने के लिए बनाया गया है। इसको ब्रिटिश कंपनी ओपन वर्क ने बनाया है। ये दिखने में काफी खतरनाक है मगर ये सिर्फ ड्रोन को गिराने के लिए कारामद है। इसमें ऐसा तरीका इस्तेमाल किया गया है कि एक जाल निकलकर फैलकर ड्रोन को अपनी लपेट में ले लेता है और आराम से नीचे लैंड करता है जिससे ड्रोन टूटता नहीं है और इस तरह किसी भी ड्रोन को पकड़ा जा सकता है। ये इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसका वजन 10 किलोग्राम है और इसको कोई भी चला सकता है। दोस्तों ये 100 मीटर तक शूट कर सकता है और इसके कुछ ऐसे वर्जन हैं जो 200 से 300 मीटर तक शूट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल एक्सपोज यूनिवर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।